शैतान भाई, शैतान को देख के मैं खुद डरा हूँ। लाइक आप जब आर माधवन आए हैं ना इधर, फिर यही अब क्या करेगा यार ये इंसान, तो ये कहीं ना कहीं डर लगा है। कैसी लगी शैतान? शैतान मुझे बहुत ही खतरनाक लगी। अजय देवगन शैतान देख के आया, शैतान देख के आया, मूवी बहुत अच्छी है। बट आजकल जो चल रहा है ना वशीकरण को लेके, ये एक चीज दिखाई गई है कि जैसे कोई भी लड़की या लड़का कुछ भी हो, ये लोग खा लेते हैं ना आज के टाइम में, तो ये नहीं खाना चाहिए। एक एक मैसेज भी है ये। और अजय देवगन को जिस मकसद से इंडस्ट्री में लिया गया था बिकॉज ऑफ हिज आईज, उसने वो मैजिक वो दिखा है मूवी में। कैसी लगी शैतान फिल्म? शैतान बिल्कुल शैतान जैसी थी, मजा आ गया देख के। फिल्म की एक तो स्टोरी लाइन, काला जादू पर पहले भी हमने फिल्में देखी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट फिल्म ऐसे कहूंगा। मुझे लगता था कि ये अजय देवगन की फिल्म है तो उनको अपने आप को और एस्टेब्लिश करना चाहिए था, लेकिन जब आर माधवन को एंड में देखा ना, तो मुझे लगता था कि अजय देवगन ये रोल नहीं कर सकता था। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आज रिलीज हुई है शैतान, अजय देवगन और आर माधवन स्टारर। खतरनाक ट्रेलर था, जब ट्रेलर देखा तो गूज़बम्स थे और बस यही था कि फिल्म कब देखने को मिलेगी। आज फिल्म देख के आए हैं और जो लोग देख के आए उनसे पूछते हैं कि उनको शैतान कैसी लगी है। बिल्कुल शैतान जैसी लगी है या नहीं, ये फटाफट से पूछते हैं। आइए चलिए। शैतान देख के आए जी, कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराने लगा, मतलब अभी न्यू जनरेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना है। वशीकरण, सुपर नेचुरल, ब्लैक मैजिक, हाँ थोड़ा पुराना रखा है। बाकी मूवी अच्छी है, उसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, करीब मतलब बांध के रखा फिल्म ने, मजा आया नहीं देखने में, एंजॉय किया। एक इंटरवल से पहले थोड़ी मतलब अजीब सी महसूस हो रहा था, लेकिन इंटरवल के बाद अच्छा लगने लगा। कितने स्टार है? 4 स्टार। कैसी लगी शैतान? अभी शैतान देख कर आ रहा हूँ अजय देवगन की, और इसमें आर माधवन भी दिखे, काफी बढ़िया मूवी है। जिस तरीके का नाम है शैतान कॉन्सेप्ट, तो भाई उसी तरीके का इसमें हॉरर भी है, काफी ज्यादा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, एक बहुत बढ़िया रहा मेरा। आर माधवन अवार्ड ले जाएंगे, नेशनल अवार्ड? आर माधवन नेशनल अवार्ड ले जाएंगे, हाँ यार कह सकते हैं। बाकी ऐसे शॉर्ट मजा आया, हाँ बिल्कुल मजा आया। 5 स्टार। 4। कैसी लगी शैतान? भाई शैतान को देख के मैं खुद डरा हूँ। लाइक आप जब आर माधवन आए हैं ना इधर, फिर यही अब क्या करेगा यार ये इंसान, तो ये कहीं ना कहीं डर लगा है। सस्पेंस था, काफी सस्पेंस था। लाइक जो सिनेमेटोग्राफी है, लाइक जो स्क्रीन प्ले है, कि आप जहाँ से मूवी खत्म हुई है वहीं से शुरू हुई है, वो चीज आपको बांधे रखती है। म्यूजिक, BGM, वही अगर स्टार्टिंग में अगर आपने बांध लिया ऑडियंस को, तो फिर ऑडियंस बैठेगी। और इस मूवी ने वही करा है, स्टार्टिंग में बांधा, बीच में कहीं स्लो हुई थी, लेकिन जो BGM आता है ना वो वाला, वो आपको बांधे रखता है। म्यूजिक बांधता है, म्यूजिक ने बांधे रहा, नो डाउट कि म्यूजिक ने बांधे ही रखा है। क्लाइमेक्स मजा आया, हाँ क्लाइमेक्स में मजा आया, लेकिन एंड मुझे को लगा थोड़ा सा ना कुछ और सस्पेंस हो सकता था, लाइक मेरे को थोड़ा कुछ और लग रहा था, बट ठीक है। लाइक फुल वही फुल पैसा वसूल, आपको BGM बांधे रखेगा कि अब डर लगेगा आपको एक पॉइंट पे। बॉलीवुड ने कुछ ढंग का सही बनाया है इस बार, हाँ। लेकिन वो अजय देवगन जैसे पहले आई थी भोला मूवी, सेम रोल, शिवाय फादर डॉटर, इसमें फादर डॉटर, तो कहीं अजय देवगन दृश्यम में भी, हाँ दृश्यम, लाइक वही कहीं ना कहीं लगा कि यार फादर डॉटर हो गया थोड़ा, जैसे आर माधवन ने कुछ यूनिक ट्राई करा, एंड अप्रिशिएशन मिलेगा ऑब्वियसली मिलेगा, बट अजय देवगन थोड़ा यूनिक ट्राई करना चाहिए था। 5 out of 5। थैंक यू। कैसी लगी शैतान? शैतान मुझे बहुत ही खतरनाक लगी, जैसे कि नाम ही है इसका शैतान, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से ये फिल्म शुरू हुई थी और जिस तरीके से ये फिल्म की कहानी चली है, वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में। ब्लैक मैजिक के ऊपर है, और बॉलीवुड में ज़्यादातर ऐसी फिल्में ऐसे टॉपिक पे नहीं बनी, आई थिंक कोई भी नहीं बनी है अभी तक तो मेरे हिसाब से, या मैंने देखनी है। सो मुझे बहुत अच्छी लगी और लोगों को भी पसंद आएगी, और काफ़ी कुछ पता चलेगा नया नया, और जो एक छोटी सी सीख देने को मिली है कि कोई भी बाहर से दे तो नहीं खाना चाहिए, वो आपको पहले ही दिखा दिया इस फिल्म में। चैलेंज जैसे दिखा रहे हैं कि जो एंड में है, इट्स अबाउट फाइट गुड अगेंस्ट डेविल, वो दिखाया है। 5 में से कितने स्टार देंगे? आई थिंक 3। कैसी लगी बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से 4.5। अजय देवगन को? अजय देवगन को। कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, बढ़िया। कैसी लगी? कैसी लगी भाई? भाई आउटस्टैंडिंग, अच्छी मूवी। कितनी? आउटस्टैंडिंग। 4.5 में से कितने स्टार देंगे? 4। शैतान देख के आया, शैतान देख के आया, मूवी बहुत अच्छी है। बट आजकल जो चल रहा है ना वशीकरण को लेके, ये एक चीज दिखाई गई है कि जैसे कोई भी लड़की या लड़का कुछ भी हो,
ये लोग खा लेते हैं ना आज के टाइम में, तो ये नहीं खाना चाहिए। एक मैसेज भी है ये, मतलब आउटसाइडर के हाथ से, सॉरी आउटसाइडर के जो भी दे वो नहीं खाना चाहिए ऐसा। हाँ, नहीं खाना चाहिए खासकर लड़कियों को, क्योंकि आजकल के टाइम में ये वशीकरण जैसी जादू टोना बहुत चल रहा है, तो केयरफुल रहना चाहिए। किसी के हाथ का भी लिया हुआ कहीं नहीं खाना चाहिए। हीरो पे हाथ ही लगा आर माधवन अजय देवगन पे, दोनों ही बराबर थे, दोनों की एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त थी, और मैं इसको 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। थैंक यू। कैसी लगी शैतान? शैतान बहुत अच्छी है, मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपका अंदर का शैतान, पर इट्स अ सराउंडिंग ऑफ द शैतान। और मुझे लगता है कि मैडी ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया दैट ही इज द स्टार ऑफ द इंडस्ट्री। और अजय देवगन को जिस मकसद से इंडस्ट्री में लिया गया था बिकॉज ऑफ हिज आईज, उसने वो मैजिक वो दिखा है मूवी में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी थ्रू आउट मूवी बोर होने वाला है, दे विल रियली एंजॉय। अगर ऑडियंस को सुपर नेचुरल मैजिक और इस तरह की चीजों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और हॉन्टेड या थ्रिलर टाइप की देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये जरूर देखनी चाहिए। धमाल मचाने वाली है फिल्म, धमाल मचाएगी, डेफिनेटली धमाल मचाएगी। अजय देवगन और आर माधवन दोनों का काम कैसा लगा? मुझे लगता है कि जिन जिन सीन्स में आर माधवन आए हैं उनमें वो लाइमलाइट ले जा रहे हैं थ्रू आउट मूवी, क्योंकि यही एक रीजन था कि अजय देवगन ने उनको ये रोल ऑफर किया था। लेकिन व्हेन कम्स टू अपनी डॉटर को बचाने का, तो अजय देवगन हैज प्रूव्ड वंस अगेन कि वो जो है ही मेक, वो दिल जला है सही में। टू के बाद क्लाइमेक्स, दृश्यम 2 के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दृश्यम 2 का बहुत ही अलग ग्राफ था, ये बहुत ही अलग तरह की फिल्म है और अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर बार अजय देवगन इंडस्ट्री को कुछ हट कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं 90s की किड होके मैं धीरे धीरे मेरा टेस्ट उनकी मूवीज के साथ जो है ग्रो हुआ है, और मेरा देखने का तरीका है और मेरा मूवी का जो देखने का नजरिया है शायद वो भी कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है। तो 3.5। थैंक यू। कैसी लगी शैतान? जी हाँ, मस्त लगी। क्या बढ़िया लगा, मतलब मस्त क्या लगा? मतलब हॉरर थी, और उसकी क्या नाम था उसका, अजय देवगन भी, अजय देवगन भी और दूसरे आर माधवन, हाँ उनकी भी एक्टिंग बहुत ठीक थी। और अजय देवगन ने इस बार कुछ यूनिक करा, और इससे हमारे देश को संदेश भी जाता है कि अपनी लड़कियों को सेव रखें। आया मतलब मजा आया। आपको 5 कितने स्टार दिए? 4 स्टार। कैसी लगी शैतान फिल्म? शैतान बिल्कुल शैतान जैसी थी, मजा आ गया देख के। क्या आर माधवन वर्सेस अजय देवगन या दोनों ने अपना अलग अलग किरदार निभाया है, एक गुड कैरेक्टर में एक बैड कैरेक्टर में, हर फिल्म के अंदर होता है। लेकिन एक्टिंग के मामले में अजय देवगन से उस लेवल की एक्टिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आर माधवन का इस तरह का किरदार पहली बार देखने को मिला है। बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन बढ़िया करी? कलेक्शन जो भी हो, लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी और बात करेंगे लोग इस बारे में। 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4। बहुत बढ़िया लगी। हाँ, क्या बढ़िया था फिल्म की? एक तो स्टोरी लाइन, काला जादू पर पहले भी हमने फिल्में देखी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट फिल्म मैं ऐसे कहूँगा। अच्छा। क्योंकि काला जादू किस लेवल तक हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है वो इस फिल्म में दिखाया है। और ये सच्ची बात है कि आज भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। आप बंगाल में जाकर देखो, वहाँ आपको काला जादू के बहुत केस देखने को मिलेंगे। बंगाल में काफी, हाँ मतलब अभी भी चलती हैं ये चीजें। उस लेवल पे हो नहीं हो, देखो फिल्म में थोड़ी लिबर्टी भी ली जाती है, लेकिन आज भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर किस इंसान का गुड्डा बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाल रखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो काला जादू में बहुत कुछ होता है। क्या लगा आपको आर माधवन की एक्टिंग को देख के? भाई देखो, आर माधवन, उनकी पहली फिल्म हमने रॉकेटरी देखी थी, बहुत बढ़िया एक्टर है। और अजय देवगन भी बहुत मजे हुए इंसान है, दृश्यम में उनका काम देख लो। इस फिल्म में वो एक बेबस बाप की भूमिका में है कि वो अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। तो आप देखोगे ना इस फिल्म को, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया फिल्म, पर क्लाइमेक्स देख के तो मजा आता है। हाँ, क्लाइमेक्स तो देखो होनी चाहिए कि यार क्या अंजाम होगा इसका। हम भी सोच रहे थे एंड क्या होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, पर बहुत जबरदस्त है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 4 स्टार। कैसी लगी शैतान? मुझे यार बिल्कुल बहुत कमाल की, मेरे दिमाग का शैतान जग गया कि बॉलीवुड में ही काफी सालों बाद इस तरीके से मूवी आई। सेकंड हाफ बहुत इम्प्रेसिव करता है, और सीक्वेंस, स्क्रीन प्ले की बात करें, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, सब पे काम किया गया क्राफ्ट। आर माधवन कमाल का इस रोल में मैं देखा हूँ, लग रहा है कि अपने क्राफ्ट पे काम किए, अपने रोल पे काम किए, अपने डायलॉग पे काम किए। आर माधवन कमाल कर रहे हैं। अजय देवगन की बात करें तो दृश्यम या दृश्यम 2 में इस रोल में हम देख चुके हैं, वो भी काम किए, लेकिन आर माधवन पूरे मूवी के मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत की इस रोल के लिए। म्यूजिक कैसा लगा? मुझे कमाल लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड होती सीन को, जो आपको एज ए दर्शक बांधना चाहिए,
डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर काम किए लग रहा है। अजय देवगन का किरदार मुझे, मैंने बताया ना अजय देवगन उतना इम्प्रेसिव नहीं कर पाया कि कोई दृश्यम और दृश्यम 2 में इस रोल पे देखे, आर माधवन भारी पड़ते हुए दिखे, मैं आउट ऑफ 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा। थैंक यू वेरी मच। शैतान देखे हैं? शैतान बहुत कमाल की फिल्म थी, और जैसे कि हम लोग एक दिन पहले जो है फिल्म को देख लेते हैं और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था। मैं नहीं बोलूंगा कि अजय देवगन की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के जो हीरो है वो आर माधवन है, शैतान नहीं है वो, शैतान वही है। और पहले मुझे लग रहा था कि ये रोल जो है, जो अजय आर माधवन का रोल है वो अजय देवगन को देना चाहिए, क्योंकि अजय देवगन बहुत दबे दबे से लग रहे थे फर्स्ट हाफ में, और आर माधवन पे पूरी फिल्म थी ऐसा लग रहा था। मुझे लगता था कि ये अजय देवगन की फिल्म है तो उनको अपने आप को और इस्टेब्लिश करना चाहिए था, लेकिन जब आर माधवन को एंड में देखा ना तो मुझे लगता था कि अजय देवगन ये रोल नहीं कर सकता था। क्लाइमेक्स सेटिस्फाई करता है, मतलब बिल्कुल बहुत अमेजिंग चीजें हुई हैं, मतलब कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा लेकिन बहुत अमेजिंग चीजें, आपको मजा आएगा। कैसा रहेगा यार, 100 करोड़ तो बहुत कॉमन हो गया, और ये तो बिग स्टार्स हैं, तो ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये फिल्म आई थिंक 5 से 10 करोड़ के बीच में फिल्म बनी, आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, अगर एक्टरों की फीस हटा दो तो। कुछ ही कैरेक्टर तो है, कुछ ही कैरेक्टर है, अजय देवगन की अपनी फिल्म है तो क्या ही पैसा, और बाकी कितने ही लेते हैं, 5 से 10 करोड़ का फिल्म का बजट है, एक कमरे में पूरी फिल्म को जो है खत्म कर दिया, तो उससे 20 करोड़ कमाएगी तो भी बहुत बड़ी बात है, धमाल मचाने वाली, धमाल मचा देगी, मजा आएगा लोग, गारंटेड आउट ऑफ 5 ऑफ कोर्स 4। थैंक यू। तो देखा आपने, लोगों ने बता दिया है कि उन्हें शैतान, आर माधवन और अजय देवगन की कैसी लगी। बाकी अगर आप देख के आ चुके हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसी लगी, और नहीं देख के आए और जो देखने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि लोगों को शैतान कैसी लग रही है, उन्हें देखने जाना है या नहीं जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, मगर शैतान दिलचस्प है, आपको बांधे रखेगी अंत तक, और क्लाइमेक्स इंटरेस्टिंग है तो ज़रूर देखने जा सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कैमरा वुमेन नम्रता के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।